पानी हमारे जीवन का बहुत अमूल्य अंग है और निश्चित तौर पे खेती इसके बगैर संभव नहीं है और जीवन भी इसके बगैर संभव नहीं है। खेती में हम पानी को कैसे रिचार्ज करें, उसके लिए हमने विगत 10 वर्षों से लगातार ग्राउंड पर काम करके पानी की 3 विधियां ईजाद की हैं और उन 3 विधियों से हम लगभग 1 एकड़ के एरिया में गिरने वाले अधिकतम पानी को, अगर हम आंकड़ों में बात करें तो लगभग अगर 40 इंच की आसपास बारिश होती है तो लगभग 30 लाख लीटर तक पानी को हम और लगभग खेत से बहने वाली बेसकीमती 4000 किलोग्राम मिट्टी को 1 एकड़ के माध्यम से रोकते हैं। आइए जानते हैं कि इन विधियों को हम कैसे खेत पर इम्प्लीमेंट करते हैं और क्या वो सरल तरीका है किसान कम खर्चे में या बिल्कुल जीरो खर्चा में इतना पानी वो रिचार्ज कर सकता है, वाटर टेबल बढ़ा सकता है और अपनी खेत की मिट्टी को भी बहने से रोक सकता है। तो इसमें 3 विधियां हैं और उन 3 विधियों में पहली विधि है खेत के अंदर खेत को ही रिचार्ज पिट बनाना। हम सभी लोग जानते हैं कि पानी को रिचार्ज करने के लिए अलग अलग तरीके के प्रयास करते हैं, लेकिन वो सारे प्रयास पानी को एक जगह पर गिरा के और एक जगह पर हम इकट्ठा करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमने 1000 स्क्वायर फिट एरिया में पानी गिरा और उसको हमने एक छोटे से पिट से रिचार्ज किया, उस छोटे से पिट की अपनी एक कैपेसिटी होती है, वो उतनी ही कैपेसिटी से ज़मीन के अंदर पानी को ले जाएगा। लेकिन अगर हम पूरे 1000 स्क्वायर फिट एरिया को रिचार्ज पिट बना दें तो मुझे लगता है कि हम धरती पर बहुत बड़े स्केल पर धरती के अंदर पानी को ले जा पाएंगे। हमारे खेत का ढाल जो है ना, यहाँ पूरब से लेकर पश्चिम की तरफ है, लेकिन हम अगर इस खेत को रिचार्जिंग पिट बनाएंगे पहली विधि के द्वारा, तो हम क्या करेंगे, उत्तर से दक्षिण इसमें बेड बनाएंगे। हम जो भी फसल खेत में लगाएंगे हम मेड़ा बना के लगाएंगे, मतलब अगर पूरब से पश्चिम अगर हमारे खेत का नेचुरली ढाल है तो उत्तर से दक्षिण हमें बेड बनाने हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमारा ढाल जो है ना यहाँ से इस डायरेक्शन में जा रहा है और हमने यहाँ पर जो है ना इस तरीके से बेड बनाने हैं, तो बेड का जो डायरेक्शन होगा वो हमारा उत्तर से दक्षिण की तरफ होगा। अब जब यहाँ पर पानी गिरेगा तो पानी को बहना यहाँ पे था, इस डायरेक्शन में जाना था ढाल के मुताबिक, लेकिन ये पानी यहाँ गिर के यहाँ पे नाली में रुका रहेगा क्योंकि यहाँ पे वो बह नहीं पा रहा है, क्योंकि बहने के लिए उसको ये मेड़ा पार करना पड़ेगा और ये मेड़ा लगभग 1 फीट की ऊंचाई, 1.5 फीट की ऊंचाई का होता है। तो अल्टीमेटली यहाँ पे गिरने वाला पानी, यहाँ पे गिरने वाला पानी ये नाली में रहता है और नाली का स्लोप बाय नेचुरल तो होता है इस तरफ, लेकिन डायरेक्शन इस तरफ बनती है, तो उसकी वजह से ये नाली में पानी रुकता है और रुकने की वजह से धरती के अंदर पानी जाता है। तो फायदे, पानी भी रिचार्ज होता है और यहाँ पर घास भी नहीं उगती है। अब दूसरा फायदा आप देखिए कि जब यहाँ पर पानी गिर रहा है तो इसके साथ में बेसकीमती ये मिट्टी भी बह के आती है, तो मिट्टी जो है ना इसी नाली में रुकती है, मतलब अल्टीमेटली पानी और मिट्टी दोनों नाली में आ जाते हैं। और अगर पानी ज़्यादा मात्रा में गिरता है तो मिट्टी तो आपकी खेत में ही रहेगी, लेकिन ये पानी जो है ना ओवरफ्लो होके बाहर जाएगा। अब यहाँ पर हमने दूसरी विधि यहाँ पर तैयार की है और उस दूसरी विधि में हम क्या करते हैं कि जो पानी हमारा खेत से निकल के बाहर जाएगा तो बाहर हमारे खेत के किसी भी डायरेक्शन में से बाहर निकलेगा। हम उसमें क्या करते हैं कि खेत के चारों तरफ जो है ना जो हमारी मेड़ होती है, उदाहरण के तौर पर ये हमारा खेत है, तो हम क्या करते हैं मेड़ के चारों तरफ जो है ना ट्रेंच बना देते हैं, हम उसे अपने भाषा में नाली भी बोल सकते हैं। इस नाली की जो साइज़ होती है वो 2 फीट गहरी होती है, 2 फीट चौड़ी होती है और पूरे खेत के एरिया को चारों तरफ से घेरती है। मतलब आप देख पा रहे होंगे अगर यहाँ का पानी जब ओवरफ्लो होगा तो पहले नाली में आएगा फिर जाके खेत के बाहर जाएगा, तो ये जो नाली है ये नाली में पानी और मिट्टी दोनों रुकते हैं। अगर मान के चलो खेत से हमारी थोड़ी बहुत भी मिट्टी निकली और पानी निकला तो पानी तो नाली में रह जाएगा, मिट्टी जो है ना भारी होने के कारण नाली में ही नीचे बैठ जाएगी और फिर जाके पानी अगर और ज़्यादा मात्रा में गिरा, कई बार ऐसी कंडीशन भी होती है कि 2 दिन तक लगातार बारिश हो रही है तो खेत में भी पानी भर गया और खेत से बाहर नाली में भी पानी भर गया, तो हम क्या करते हैं खेत के अंतिम ढाल में जहाँ पर हमारे खेत का ढाल होता है, स्लोप होता है, क्योंकि इस नाली का भी कहीं ना कहीं ढाल होगा जहाँ से ये पूरे खेत का पानी बाहर निकलेगा, वहीं पर हम रिचार्जिंग पिट बनाते हैं। तो वो गड्ढा जो है ना हमारा खेत के कॉर्नर पर होता है, तो अगर हमारे खेत का स्लोप पूरा खेत का इधर है तो हम इधर गड्ढा बनाएंगे और अगर हमारे खेत का स्लोप किसी भी डायरेक्शन में है तो उस डायरेक्शन में हम एक पिट बनाएंगे जिसकी साइज होगी 10 फीट गहरा, 10 फीट चौड़ा और 10 फीट ऊंचा। ऐसा करके हम 10 बाई 10 का खड्डा बनाते हैं और उस खड्डे में पानी को रोकते हैं। तो अगर मिट्टी यहाँ से भी ओवरफ्लो हुई तो वो जाके खड्डे में रुक जाती है और इन तीनों विधियों से लगभग 30 लाख लीटर पानी
हर विधि से 10 लाख लीटर हमारे खेत के अंदर रिचार्ज होता है, 10 लाख लीटर मोटा मोटी हमारी नाली से रिचार्ज होता है और 10 लाख लीटर हमारा खड्डे से रिचार्ज होता है। ऐसे करके हम बिना इन्वेस्टमेंट के 3 विधियों से 30 लाख लीटर तक पानी को रिचार्ज करते हैं। कि पानी की हमें बहुत कमी थी तो हम हमेशा से सोचते थे कि कैसे हम उस पानी की कमी को पूरा करें, तो इन विधियों को हमने तैयार किया और इन विधियों के माध्यम से आज हम 3 एकड़ में गर्मी के समय में सब्जी वाली फसलें कर पा रहे हैं और लगभग 7,500 पेड़ इस कैंपस के अंदर हैं वो मेंटेन कर पा रहे हैं, गौशाला मेंटेन कर पा रहे हैं और लगभग 20 से 25 लोगों का रोज़ यहाँ पर रसोई और रहना खाना होता है वो भी मेंटेन कर पा रहे हैं।